मैंने एक खातून से पूछा कि क्या आपको मर्दों के बराबर हकूक मिलने चाहिए, तो उसने एक हैरान कुन जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे बराबर के हकूक नहीं चाहिए। मैंने तफसील चाही तो उसने कुछ यूं बयान किया, मेरा जायदाद में बाप की तरफ से हिस्सा है, भाई की तरफ से हिस्सा है, बेटे की तरफ से हिस्सा है, खामद की तरफ से हिस्सा है। जब मैं मर्दों के बराबर आ जाऊंगी तो मैं इन हकूक से महरूम हो जाऊंगी। मैं किसी जगह जॉब करती हूं तो मुझे जॉब में सहूलत दी जाती है, बराबर के हकूक में मेरा नुकसान ज्यादा है। बैंक, अस्पताल, मार्केट, हर जगह लेडीज फर्स्ट के असूल पर मुझे रिलीफ मिल जाता है। मैं अब्बू से मिलने जाऊं तो वो खड़े होकर मिलते हैं और भाई को बैठे बैठे सलाम कर लेते हैं। हम शहर से बाहर कहीं जाएं तो मैंने और बेटी ने अपना अपना हैंडबैग पकड़ना होता और बस बाकी सामान बेटे जाने और उनके पापा। एक बार रास्ते में गाड़ी रुक गई थी तो मुझे स्टीयरिंग थमाकर बेटे और मियां ने धक्का लगाया। बराबर के हकूक होते तो मुझे भी धक्का लगाना पड़ता। सभी बड़े और भारी काम खुद ब खुद मर्दों पर जा पड़ते हैं। मुझे कभी बिल अदा करने नहीं जाना पड़ता, कभी पेंट वाले के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता, कभी इलेक्ट्रिशियन के साथ दिमाग खपाई नहीं करनी पड़ती। कमाने की जिम्मेदारी कभी मेरी नहीं रही, मियां ने कमाने के लिए निकलना ही निकलना है। मैं कभी भी कह दूं आज कुछ नहीं पकाया, गर्मी लग रही थी या मूड नहीं था, तो बाजार से खाना आ जाता है। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उनको काम से छुट्टी नहीं है। मियां की इनकम पर मुझे हक हासिल है, मेरी इनकम पर सिर्फ मेरा। मेरा लिबास उनसे महंगा होता है, मेरे जूते कपड़ों की तादाद उनसे ज्यादा है। ऐसे बेशुमार फायदे मुझे हासिल हैं। मैं बराबर के हकूक लेकर घाटी का सौदा करूंगी? इतनी पागल लगते हूं क्या?